YouTube YouTube अच्छा YouTube पे लाइक व्यूअर्स अभी मैंने बैंक में जो ना अपने बच्चों की फीस पे कर दी है अभी मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी का एक बुक खरीदना है वो खरीदने के लिए ORTC का एक बुक है वो हमेशा गुम कर देती है अब मैं देखता हूँ एक जगह से थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा क्योंकि नहीं तो पूरा सेट मिलता है 6 बुक्स का सेट होता है तो अगर वहाँ से सिंगल बुक मिल गया तो ठीक है नहीं तो फिर पूरा सेट ही लेना पड़ेगा अभी मैं जिस बैंक में गया था वहाँ पे पता है क्या हुआ मैंने उनकी उसी बैंक के ATM से पैसे विथड्रा किए ना पैसे विथड्रा करके वही पैसे लेके गया अंदर तो काउंटर पे बंदा कह रहा है कि ये सॉइल्ड नोट है और आप ये हम नहीं ले सकते मैंने कहा भाई ये आपकी ही ATM से निकला है पहले तो आपकी ATM से सॉइल्ड नोट निकलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉलिसी है बैंकिंग पॉलिसी कि एक सॉइल्ड नोट आपको रिसिप्ट में पेमेंट में देना ही नहीं है तो आपकी ATM से निकला है तो फिर वो बंदा चुप हो गया तो ये देखिए ना खुद अपनी ATM में यूज़ कर देते हैं सॉइल नोट्स और फिर वो अगर कस्टमर लेके आता है काउंटर पे तो वो मना कर देते हैं पहली बात तो ये कि वो पेमेंट में चलाने नहीं चाहिए अगर कस्टमर लेके आता है अगर वो चलने जैसा नोट है तो उनको लेना है वो स्टेट बैंक से क्लेम लेना है संडे बाजार है और संडे बाजार में मुझे ना बेटी की एक बुक की अगर मिल गई तो ले लूँ क्योंकि वो गुम बहुत कर देती है तो मैं यहाँ से वो बुक ले देखता हूँ ORT सीरीज़ की अगर मिल गई तो ठीक है उसके बाद एक उसको ना डॉल भी लेके देनी है अब ये देखते हैं आगे दे दो ये एक यहाँ से डाल ले ली यहाँ से मेरी बेटी के लिए डाल ले ली वहाँ से मैंने ले लिया वो बुक अब जा रहे हैं वापस अभी मैंने बेटी के लिए बुक्स और डाल ले लिए अब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है आगे पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ी में हमने पेट्रोल भी भरवा लिया PSO के पंप से अब देखेंगे PSO के पंप से कितना माइलेज देती है वैसे मैं टोटल के पंप से भरवाता हूँ बंदे PSO की बड़ी एडमायरेशन करते हैं लेकिन मुझे PSO का पंप से देखते हैं कि कितनी माइलेज देती है आज चेक करेंगे अभी हम सदर पहुंच चुके हैं और सदर पहुंच के हम जाएंगे न्यू पाकिस्तान के टर्मिनल पे न्यू पाकिस्तान का टर्मिनल जो है स्टूडेंट बिरयानी जो पुरानी स्टूडेंट बिरयानी है और जो पार्किंग प्लाजा है उसके बिल्कुल सामने है वहां से टिकट बुक होती है मीरपुर खास के लिए न्यू पाकिस्तान की जो बस सर्विस है वो मीरपुर खास के लिए चलती है ये आप सदर की बेहंगम ट्रैफिक देख सकते हैं और ये हम अभी पहुँच गए न्यू पाकिस्तान के टर्मिनल पे यहाँ से मुझे टिकट बुक करवानी है मेरी और मेरे दोस्त की हम जाएंगे मीरपुर खास कल ये जो कोच हैं यहाँ पे दो किस्म की कोचें होती हैं एक डायवो एक नॉन डायवो मैंने डायवो में बुक करवाई हुई है मीरपुर खास के लिए कल शाम को 7:15 बजे टिकट बुक
जाने के बाद अभी एक काम रहता है, वो है तारगोट पे अपना मैंने कोर्स दिए हुए थे सिलने के लिए, वो कोर्ट लेके आऊँ, उसके बाद जो है ना बाकी काम होंगे। अभी हमने न्यू पाकिस्तान ये अपोजिट पार्किंग प्लाजा यानी कि पुराना स्टूडेंट बिरयानी वहाँ से हमने टिकट बुक करवाई हुई है मीरपुर खास के लिए, क्योंकि कल हमें मीरपुर खास जाना है 7:20 से यहाँ से निकलेगी, लेकिन मेरा जो दूसरा टीम मेम्बर है वो जो टीम लीडर है वो बैठेगा वहाँ से अल आसिफ से। अभी हम तारिक रोड पहुंच चुके हैं और तारिक रोड से हमारा जो है हमारे कोट हैं वो लेके फिर हम घर की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे जो है ग्लैमर शॉपिंग सेंटर में जाना है मुझे वहाँ। अभी मैं तारिक रोड पहुंच चुका हूँ, सामने ग्लैमर शॉपिंग मॉल है। तो लिए हैं बड़े वाले कितने का दे दो? एक तो दूसरा कलर कौन सा है? ग्रीन है। दूसरा इसके अलावा दो ही कलर है, दो ही कलर है, ग्रीन दे दो, लेकिन रेट मुनासिब लगाओ यार। अब मैंने यहाँ से ट्रॉली ले ली है तारिक रोड गाड़ी सेंटर से, वैसे भी मैं इससे लेता रहता हूँ जब भी यहाँ से आता हूँ। जहाँ से मैं जो कोट लेने आया हूँ वो है आइडियल शूटिंग, वो अभी खुला नहीं है, अभी बंद है, दिन का 1:30 बज चुका है। अच्छा ले ले दे दे दिखा दे। मैंने यहाँ से अपने कोट भी ले लिए, जो कपड़ा कोयटा से लिया था कोट भी ले लिए, इंशाल्लाह अभी मीरपुर खास से कोट लेके जाएंगे। अभी रात के तकरीबन 8:30 बजे हैं, मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ, सैटरडे का दिन था तो उन्होंने कहा कि मैकडॉनल्ड चलो, तो वो मैकडॉनल्ड में बैठ के अंदर हैप्पी मील को एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपनी स्मोकिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बाहर बैठ गया था क्योंकि मुझे स्मोकिंग करनी थी और थोड़ा रिलैक्स करना था, तो मैं बाहर बैठ गया था। कितने का बूटा दे रहे हो? नहीं, कितने का बूटा है? 70 रुपये का। ये कौन सा म्यूजिक बजाते हो? का
रामदा मजा आ रहा है? हिफ्जा तुम्हारे मजा आ रहा है? पापा का के खबर अच्छा तेरा खिला मैकडॉनल्ड में ये भी मैकडॉनल्ड आए हां हां बता शादी चली चांदेरो वरो छो आए चांद चांद फुल डेट्स जो चांद है ना बबल शेर को तो अपने में बुलडॉग आए बिल्कुल लास्ट में मैंने अपने बच्चों को लॉन्ग ड्राइव करवाई क्योंकि वो चाहते थे कि हमें सी व्यू की तरफ से लॉन्ग ड्राइव कराएं और सी व्यू दिखाएं उसके बाद हम लोग घर चले गए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल